वेल गाइज, अगर आप लोग को एकदम प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी है ना, तो एकदम सही वीडियो को आपने क्लिक किया है। क्योंकि गाइज मैं आज कुछ ऐसे टिप्स के बारे में आपको बताऊंगा ना, जिससे कि आपकी वीडियो एडिटिंग की स्किल्स एकदम नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इन टिप्स को फॉलो करते हैं एंड उन्हें डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स भी देखने को मिलता है। लेकिन एक और चीज़ गाइज, आज के अपने फीचर चैनल को चेक कर लेते हैं। तो गाइज आज की जो हमारी फीचर चैनल है वो आईडी प्लेस वाईटी है, तो आप उनके चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि आप कौन सा वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन यूज करते हो अपने वीडियो एडिटिंग के लिए, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप उसे कितने अच्छे से यूज कर पाते हो। क्योंकि गाइस जो काइनवाशर है ना, वो एंड्रॉयड की सबसे ईजिएस्ट आप बोल सकते हो कि वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको फिट टू स्क्रीन, स्प्लिट स्क्रीन ये करना नहीं आता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करो, उसके सारे फीचर्स टूल को अच्छे से समझो, अच्छे से यूज़ करो, ताकि जब भी आप वीडियो एडिटिंग करो ना, अपने क्रिएटिविटी से और भी अच्छे से उसे एडिट कर पाओ। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना कि जिस भी एप्लीकेशन को यूज़ करो, अच्छे से उसके सारे फीचर्स को समझो, फिर यूज़ करो। तो गाइज़ यहाँ पे हम बात करते हैं अब इंट्रोस की, एंड वो इंट्रोस की बात नहीं कर रहा जो आप अपने वीडियो में 6-7 सेकंड की यूज़ करते हो। ये यहाँ पे इंट्रो वो है जो आप अपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें बोलते हो अपने वीडियोज़ के रिलेटेड। एंड आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ एल्गोरो की। जो एल्गोरो अपने वीडियो में जो इंट्रो रखते हैं उसमें बहुत सारे सस्पेंस, क्रिएटिविटी एंड बहुत अच्छे से वो एडिट करते हैं, ताकि जो हमारी ऑडियंस है ना वो रुके रहे, एंड मैक्सिमम उनकी ऑडियंस रुकी रहती है ताकि जो मेन पार्ट है वो देख पाए अच्छे से एंड समझ पाए, जिससे कि उनकी वीडियोस वायरल होती भी है एंड बहुत सारे व्यूज़ भी आते हैं। तो आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो आपका इंट्रो पार्ट है ना, वो बहुत अच्छे से एडिट करना है, उसमें अच्छे से क्रिएटिविटी, टेक्स्ट एंड बहुत अच्छा सा एनिमेशंस वगैरह आप रख सकते हो अगर गेमिंग है तो, जिससे कि आपकी ऑडियंस बने रहे एंड लास्ट तक वीडियो देखे, जिससे ऑडियंस रिटेंशन भी हाई होगा एंड आपके वीडियोज़ की जो वायरल होने के चांसेस है वो भी बढ़ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, कि जहाँ पे आपके अगर ट्यूटोरियल बेस्ड चैनल है तो आपकी मेन पार्ट में ट्यूटोरियल चल रही होती है तो उसको एकदम मिनिमल रखना है। ज़्यादा कुछ वहाँ पे कट, एनिमेशन, ट्रांजिशंस वगैरह आप नहीं ऐड करना, नहीं तो आपकी ऑडियंस उससे डिस्ट्रैक्ट होगी। एंड यार यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी वीडियोज़ में चले जाएंगे, तो आपकी जो ऑडियंस रिटेंशन है वो ख़राब होगी एंड व्यूज़ भी डाउन होंगे। तो आप लोग को ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी है, एकदम थ्रू द पॉइंट आपको रहनी है। जो भी चीज़ आप बताओ तो एकदम डायरेक्ट बताओ एंड अच्छे तरीके से बताओ, ताकि ऑडियंस को भी मज़ा आए एंड आपके वीडियोस लास्ट तक देखें एंड यूट्यूब भी उसे रिकमेंड ज़्यादा करेगा। तो ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान देना। तो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो एडिटिंग तो हो चुकी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ पे करते हैं अपने ऑडियो एडिटिंग की। अगर आपकी फेस कैम वीडियो है चलती है तो ठीक है, अगर नॉन फेस कैम है तो सबसे मेन जो आपका वीडियो का जान होगा ना, वो आपकी ऑडियो होगी। तो ऑडियो को आप जितना क्लियर एंड बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हो उतना अच्छे से करना। एंड हाँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक आप यूज़ करना तो वो लाउड यूज़ नहीं करना, उसकी जो साउंड रेशियो होगी आप 15% 10% पे यूज़ कर सकते हो, इतना इनफ है। ज़्यादा आप रखोगे तो आपकी साउंड के बदले बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़्यादा चलेगी एंड जो आपके जो व्यूअर्स होंगे वो डांस करने लगेंगे। इसलिए अपनी साउंड को ज़्यादा रखना एंड बैकग्राउंड साउंड को अराउंड 10-12% रखना, ठीक है। एंड अगर आपको ऑडियो एडिटिंग पे आपको वीडियो चाहिए तो आपको बहुत सारे पास्ट में वीडियोस मेरे मिल जाएंगे, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको एक दो पार्ट मिल जाएगा। www.sustech.in पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड डेफिनेटली अगर आप इन सारे चीज़ को ट्राई करते हो ना, तो आपकी वीडियो जो है ना आपको खुद दिखने लगेगी कितनी अच्छे से एडिट हो रही है एंड आपको धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। सो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।